हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हेलो टैक्स में स्वागत है। और हमारे जो 59 मिनट वाले जो वीडियो थे उस पर बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छे कमेंट और बहुत ही अच्छा रिस्पांस कॉल के थ्रू भी आया है। और वहाँ पे बार बार अगर आप कमेंट बॉक्स में भी जाते हैं तो लोगों ने हमसे कुछ क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा हम लेट हो गए उसके रिप्लाई करने में, हमें भी व्यस्तता के कारण, कि आखिर अप्रूवल के बाद जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि साइट से निकल के आ रही है अप्रूवल, उसके बाद क्या, उसके बाद लोन कैसे होता है, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ऑलरेडी हमारे पास कैश क्रेडिट है तो क्या हमें उस तरह के वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं। दोनों बातों की हम अब विस्तार में चर्चा करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो आपको लोन एक तरह का लोन अप्रूवल है, ये कोई अप्रूवल नहीं है, एक आप कह सकते हैं कंडीशन बेस्ड अप्रूवल है। हमारे पास आने के बाद हम दिल्ली में बात करें, मुझे दिल्ली के बाहर का आइडिया नहीं है, हमने दिल्ली में जो किया हम वो बताने की कोशिश करेंगे। अप्रूवल आने के बाद हमें विजय बैंक का आया था कि विजय बैंक में आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये जो एक तरह का अप्रूवल ये दे रहे हैं, ये तो कोई अप्रूवल नहीं, अगर आप मैं इसको अब टेक्निकली कहूँ तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, किसी भी तरह का ये आपके लिए वेटेज नहीं दे रहा है और कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दे रहा है। मैं अब ये समझ नहीं पाया, पहले वीडियो में हमने बहुत इसकी तारीफ की, इसके बारे में बताया कि बहुत ही अच्छी मूव है गवर्नमेंट का, एक बहुत ही सकारात्मक आप कह सकते हैं कि अप्रोच लिया गया। मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ कि वो जो पोर्टल क्रिएट किया गया है, जो एक बेनिफिट देने की कोशिश की गई, प्रयास बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन की फिर परेशानी है। अब क्या इम्प्लीमेंटेशन की परेशानी है, जब हम विजया बैंक गए वो सेम प्रोसेस वही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रीवियसली था। अगर मैं डायरेक्ट भी जाता तो मुझे वही डॉक्यूमेंट देने हैं, वही सिविल चेक कराने हैं, वही प्रोसीजर अपनाने हैं और वही रेफरेंस, अगर आप उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट नहीं है तो परेशानी है उनको। यानी कि अगर आप उस ब्रांच से अननोन है थोड़ा, तो बैंक आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। साथ के साथ जो भी पुराने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम थे उसमें जीरो भर के आपको डेविएशन दिया जा रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन, हमें कोई अधिकार नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या किसी भी तरह का हमारा उस तरह का अप्रोच नहीं है, ना ही हमें करना है वो, हम उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। लेकिन एक क्वेश्चन, एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आ रहा है कि जब मुझे लोन डायरेक्ट मिल रहा है तो मुझे ये वेबसाइट पे जाने की जरूरत क्या है, ₹1000 मैं उनको फी भी दे रहा हूँ और उसके बाद जब मैं बैंक जा रहा हूँ तो बैंक वही कंडीशन अपना रहे जो पहले भी था, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई डील दे रहे हैं, ना आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट दिया जा रहा है। लोन होने में हमारा लोन हो गया, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें लोन एलिजिबिलिटी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही, जो एलिजिबिलिटी हमें वेबसाइट के थ्रू आई वो एलिजिबिलिटी तो हमें नहीं मिली, उससे काफ़ी कम मिला, बट उसको प्रूफ करने के लिए चैलेंजेस वही थे जो पहले थे, जितने चैलेंजेस पहले थे वो आज भी हैं। तो अप्रूवल में आपको मैनुअल जो पुराना सिस्टम था सेम के सेम फॉलो करने हैं, उसमें आपको 0% का डेविएशन दिया जा रहा है, जो पुराने प्रोसीजर थे वही फॉलो किए जा रहे हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम थे, यानी इस पोर्टल से उनका कोई लिंक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पोर्टल का विजया बैंक के साथ एक एग्रीमेंट है, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, बट कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं अपने यूजर को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसके बिना भी जाते हैं तो आपको उतना ही प्रोसीजर फॉलो करना है, और अगर आप इसके थ्रू जाते हैं तो उतना ही प्रोसीजर फॉलो किया जाना है। तो मैं अब ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे जो सिस्टम क्रिएट किया है, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसका कुछ बेनिफिट दिखे, प्रयास बहुत अच्छा है क्योंकि इसको सब चीज़ एक जगह ला के आपकी एलिजिबिलिटी हर कुछ, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बैंक के साथ भी कनेक्ट करें, और जो पेपर हम यहाँ पे दे रहे हैं उसी पेपर का जो पूरा प्रोसीजरल है उसको निकालें। अभी मैं विजया बैंक गया तो उन्होंने कहा कि ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट को आप मुझे दे दीजिए, हम फिर से वही डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे दिया था हमने फिर से वो डॉक्यूमेंट दिया, उन्होंने फिर से हमारे सारी चीज़ें चेक किए, हमारे पूरे फाइनेंसिस चेक किए, इवन हमारे सिविल रिपोर्ट चेक किए गए, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया गया, कहीं कोई किसी भी तरह का मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया गया इस पोर्टल का कि जो मुझे मिलना चाहिए था। हमने वो अमाउंट डिसबर्स नहीं कराए, बट वहाँ तक जाने में हमें उतनी ही परेशानी थी जो पहली थी। तो डिसबर्समेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको अब कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए क्या शब्द यूज़ करूँ। गवर्नमेंट को
इसके लिए थोड़ा सा फिर से सोचने की जरूरत है। इस प्रोसीजर को तो आपने आसान किया बट बैंक के साथ अभी तक लिंक नहीं किया। हो सकता है लिंक हो गए हो या नहीं, ये तो मुझे टेक्निकल पता नहीं है, लेकिन पेन उतना ही है जो मेरा पहले था, मुझे उस पेन में कोई कमी नहीं दिखी। अब गवर्नमेंट इससे क्या अचीव करना चाहती है मुझे नहीं पता, बट अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि बहुत ही मतलब एक तरह का इनोवेटिव और बहुत ही इफेक्टिव करप्शन लेस काम किया जा सकता है। मुझे इस साइड पे कोई मतलब कोई कमेंट नहीं है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है उसको क्रिएट नहीं किया है। अगर वो क्रिएट हो जाता है तो शायद जो हमारी पेन है, जो हमारे फॉलोअर सिस्टम है, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाने चाहिए, क्योंकि हमें अपने लोन लेने में उतना ही परेशानी जो पहले हमने जैसे काम करते थे वही परेशानी आई। उन्होंने वही डॉक्यूमेंट, उसी तरह के अप्रोच, उसी तरह का फॉलोअप और उसी तरह की परेशानी रखी, उस परेशानी में हमें ज़रा भी कमी नहीं दिखी। तो मुझे इसका कोई एडवांटेज नहीं मिला, इसका एडवांटेज यही मिला कि मुझे ब्रांच अलॉट हो गया, मुझे पता चल गया कि मुझे किस ब्रांच पे जाना है, लेकिन ब्रांच पे जाने के बाद मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं केवल और केवल दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मुझे और सिटी का नहीं पता है कि, क्योंकि हमें कुछ यूजर ने बताया कि गुजरात में काफ़ी आसानी से हो रहा है, वहाँ पर इसके बेनिफिट काफ़ी हैं, बट हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है या हमने वहाँ पे कुछ उस तरह का प्रोसीजर नहीं देखा है तो हमें पता नहीं है। हमने केवल अपने जो नियर बाई जो भी बैंक थे उनसे कुछ समझने की कोशिश की या फॉलोअप, उसके आधार पे ये ओपिनियन है हमारा। तो हम बहुत ही क्लियर हैं, हमें अक्रॉस इंडिया का नहीं पता, हो सकता है कि इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके प्रोसीजर में और तरह के सुधार करने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन ये एक अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट लास्ट माइल तक कनेक्ट कर देती है तो आई थिंक कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, स्पेशली सरकारी बैंक, क्योंकि उसके चक्कर लगाने में आपको एक एक डॉक्यूमेंट के लिए ना बहुत फाइट करनी पड़ती है और उसके बाद भी आपको परेशानी रहती है। तो मैं इसको अब समराइज करने की अगर कोशिश करूँ तो मुझे अभी तक इसका कोई बेनिफिट नहीं दिखा, मुझे यहाँ की वजह से कोई आप कह सकते हैं कि अगर 100% का पेन था, हो सकता है कि 90% का रहा हो, इससे ज़्यादा का मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे बेनिफिट मिला, लेकिन प्रोसीजर वहीं के वहीं हैं, कहीं प्रोसीजर में चेंज नहीं है ना ही अप्रोच में चेंज है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और ये दिल्ली के हमारे अपने नियर बाई बैंक के जो रिस्पॉन्स थे उसके अकॉर्डिंगली हमने एक ओपिनियन देने की कोशिश की है। बाकी बहुत ही अच्छा इनोवेशन मतलब वेबसाइट है, काम बहुत अच्छा करता है और आई थिंक ही वन ऑफ द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू द बैंक, बशर्ते बैंक को भी इससे कनेक्ट कर दिया जाए ताकि जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम है उसको रिमूव किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हम यहीं पे समराइज करते हैं। हेलो टैक्स पर अपना प्यार बनाए रखें, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।